अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं गोभी आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 kg गोभी, 3 बड़े आलू। गोभी और आलू दोनों को मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया है, बिल्कुल इस तरह से। गाइस होता क्या है, कुछ लोग गोभी आलू तो बनाते हैं लेकिन उनका गोभी जो है ना कुछ का भरता बन जाता है, तो हमें वैसा नहीं रखना है। गोभी और आलू दोनों गल भी जाएंगे और ज़्यादा टूटेगा भी नहीं। और यहाँ मैंने टमाटर का भी यूज़ नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पतीली में एक मीडियम साइज़ का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल गर्म किया है, उसी के साथ यहाँ मैंने डाला है एक छोटा प्याज, बहुत थोड़ा सा जीरा। प्याज लाइट ब्राउन करना है और उसके बाद यही मैंने ऐड किया है 1.5 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे और अब हम यहाँ बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी जो भी हमें डालना है बस अभी डालना है, इसके बाद जब गोभी आलू पड़ जाएगा ना तब उसके बाद बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ गोभी आलू में मैंने पहले से ही 4 से 5 हरी मिर्च, बहुत थोड़ी सी हल्दी को डालकर रख दिया था, अब हमने इसमें ऐड कर देना है। और मैंने बताया था ना पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। यहाँ जो मैं पानी डाल रही हूँ वो गोभी आलू से बचा हुआ थोड़ा सा पानी है, बहुत थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं। वो हल्दी लगी हुई थी ना तो मैंने इस वजह से डाल दिया। बस इसे अच्छे से चलाकर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाना है और उसके बाद हमें खोलकर चेक करना है। तो हमारा गोभी आलू जो है ना अच्छे से अभी गला भी नहीं है और हल्का पानी वाली भी पन है, तो हमें क्या करना है, लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से और पकाना है, बीच बीच में चलाते भी रहना है। फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ गोभी आलू बनकर एकदम रेडी है। हम यहाँ गार्निश करेंगे फ्रेश कटा हरा धनिया से। गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ में अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कीजिए साथ में बेल आइकन लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।